इफ वी आर लर्निंग इन अ डिफरेंट टॉपिक दिस पीस द ट्रांसफर ऑफ हीट का जो प्रोसेस है डेट विल बी अ बिट डिफरेंट देन द सॉलिड्स. सो अब एक आप फर्स्ट एक एक्टिविटी करेंगे तो इट इज वेरी गुड इन फिजिक्स इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड लर्निंग द कॉन्सेप्ट. तो इसकी जो पिक है आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. पहले आप प्रोसेस समझ लें फिर हम स्लाइड देख वो पिक्चर देखें और उसको डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, उसको वी आर गोइंग टू पुट ऑन हीट. तो जब हम फिजिक्स में लेबोरेटरी में व्हेन वी डू सम एक्सपेरिमेंट्स व्हाट वी डू वी यूज अ ट्राइपॉड स्टैंड. आई विल शो यू इन द पिक्चर. मीन्स क्या होता है, नीचे एक फ्लेम जलाते हैं, एक स्टैंड रखते हैं एंड देन वी पुट द फ्लास्क जो उस पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है. नाउ क्या होगा आफ्टर पुटिंग इट, तो क्या होता है व्हेन वी आर मूविंग द यूटेंसिल, व्हेन वी आर मूविंग द बीकर एंड कीपिंग इट ऑन द एनी बेस, क्या होता है वॉटर में देर इज सम डिस्टर्बेंस, हिलता है वॉटर. तो वी आर गोइंग टू वेट टिल द वॉटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. स्टिल मीन्स जो उसका हिलना है इट स्टॉप्स. ठीक है, बिल्कुल एक हमें उसमें हलचल नहीं दिखाई देनी चाहिए वॉटर के अंदर. देर इज अ रीजन हम कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं जो जो स्टेप्स हैं वी हैव टू फॉलो देम बिकॉज फॉर एवरी स्टेप अगर कोई इंस्ट्रक्शन है डेट इज एसेंशियल. यूजिंग अ स्ट्रॉ जेंटली, अब क्या होगा वी आर गोइंग टू प्लेस द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ये एक क्रिस्टल होता है जिस वो एक बड़ा स्पेशल पर्पलिश पिंकिश द कलर लेके उसमें रिएक्शन होता है. सो और वो हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसीलिए लिया है बिकॉज इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक कलर. तो इफ सम मूवमेंट इज गोइंग ऑन देयर विल बी चेंज इन द कलर ऑफ द वॉटर एंड वी कैन ऑब्जर्व समथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर. तो एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क नाउ जब हमारी इतना सेटिंग हो जाएगी वी आर गोइंग टू हीट. हीट किसको करेंगे, उसी फ्लास्क में जिसमें वॉटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज देयर. सो दिस इज द योर होल सेटिंग. तो जैसा मैंने कहा लेबोरेटरी में व्हाट वी डू वी यूज बंसन बर्नर. सो दिस इज एक हम जिससे गर्म करते हैं लेबोरेटरी में वो उसको कहते हैं बंसन बर्नर. और जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है दिस पार्ट ये पूरा जो स्टैंड है तो दिस इज नोन एज ट्राइपॉड स्टैंड. वाई वी से ट्राइपॉड, क्योंकि इसके तीन पैर होते हैं. हाँ यहाँ पे ये दूसरे शेप का है, ये एक फोर हमारे लेग्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत से आपको इस टाइप से एक स्टैंड मिलता है. ओके सो दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड. नाउ दिस इज द बीकर जैसा आपने देखा और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये जो क्रिस्टल है दिस इज अ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल. अब क्या होगा When we are going to heat this whole thing, तो हम ये देखेंगे ये जो potassium permanganate का color है it is moving in this direction. जो red से show है and we will see some movement also in opposite direction. तो समथिंग इज गोइंग मूविंग अप एंड समथिंग इज कमिंग डाउन. और जो मूव कर रहा है वो क्या है, यहां पर हम हीट दे रहे हैं ना तो यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कंडक्शन में हमने देखा था ना पैन एब्जॉर्ब द हीट, ऐसे बीकर ने एब्जॉर्ब कर लिया हीट को बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. लेकिन अब यहां पर हम ये देख रहे हैं यहां से कुछ मूव ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है. So this type of movement we are going to observe. So the water near the flame, अब जो observation है इसको हम थोड़ा और detail में we are studying it. The water near the flame gets hot. तो सबसे पहले ये जो बिल्कुल nearest है that will the temperature will increase and जो हमेशा क्या होता है जो hot thing होती है it rises up. तो वॉटर विल ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग अप. और जो कोल्डर वॉटर है जो कोल्ड वॉटर है वो कहाँ है,
जो साइड्स में है या ऊपर की तरफ जो कोल्ड वाटर है, यहाँ पे इज कोल्ड वाटर, वी विल सी डेट कोल्ड वाटर, वाटर फ्रॉम द साइड्स विल मूव डाउन. And where is it moving? It is moving towards the heat. It is moving towards the source of the heat. And when it is moving towards the source of the heat, again it gets heated up. So when it gets heated up, it will start moving up. So this process continues. ये कब तक चलेगा? Till the whole water is of same temperature. पूरा जो water है it gets heated up. So क्या आप देख रहे हैं? तो आपका container में कैसे चल रहा है? This movement, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये कौन सा है? Hot water. And then you are looking के ऊपर से नीचे movement. So this is of cold water. This is of cold water. ये जो मूवमेंट है ये आपका कोल्ड वाटर का मूवमेंट है. और ये मूवमेंट कब तक है? जब तक पूरे उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है या जो पूरा पानी है वो गर्म नहीं हो जाता है. सो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ठीक है, तो इन वाटर, इफ आई से इन वॉटर हीट गेट ट्रांसफर्ड बाय विच प्रोसेस, बोलिए आप? इट गेट ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. तो हाउ डज यू फील कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन? कंडक्शन में हमने वी हैव नॉट सीन द मूवमेंट. जो चीज गर्म हो रही है उसके मूवमेंट के बारे में वी हैव नॉट सेड. वो क्या हो रहा है कंडक्शन में? क्या हो रहा है इस वे में? पहले इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे हीट वॉज गेटिंग ट्रांसफर. लेकिन कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? द हॉट थिंग इज मूविंग अप एंड द कूलर इज कमिंग डाउन. सो यहाँ पे जो पार्टिकल गर्म हो गया इट इज मूविंग अप. यहाँ पे हैव यू सीन एनी मूवमेंट? कुछ हमने आपको डिस्क्राइब करा? नहीं है या नहीं है? ये सब कैसे हो रहा है? दीज ऑल थिंग्स यू विल लर्न इन सीनियर क्लासेस. अभी के लिए आपके लिए यही है कि कंडक्शन में क्या हो रहा है, इस वे में मूवमेंट होके हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, और कन्वेक्शन में द पार्टिकल्स देमसेल्व्स आर मूविंग एंड लीविंग द प्लेस. So that the cooler thing can come down, gets heated up and moves away from that place. How does heat get transferred in air? तो water का हमने पढ़ लिया, air में कैसे हो रहा है? Let us look at. अब जो air है तो वो, when the air that is near the heat source gets hot and rises up. So, जैसे आपकी अर्थ है, अर्थ से जो बिल्कुल नीचे की लेयर, सपोज हम कह रहे हैं दिस इज अवर अर्थ. ठीक है, दिस इज अवर अर्थ. नाउ द एयर, आई टेक अ डिफरेंट कलर सो दैट इट इज मच क्लियर. ये जो एयर है डेट इज नियर टू द अर्थ, द फर्स्ट इट विल टेक्स द हीट. और ये हमारा क्या है? लेयर्स ऑफ अर्थ है, वो एयर है, ये क्या है? एयर. सो
the layer of the air that is nearest to the earth will get heated up और ये move कर जाएगी ऊपर. The second layer will come down, ये गर्म होगी, it will move. The third layer will come down then, and then after heating it will move up. तो यही process आपका चलेगा कि the air near the heat source gets hot and rises. Then the air from the sides come and takes its weight. It is very much similar जो हमने water में अभी पढ़ा था. And again this cycle will moves on till all the air, जो air उतने उसमें है, it gets heated up and moves down. तो air क्या है? Water तो हम क्या है? We are putting in limited quantity. है या नहीं है? There is a limited quantity of water, पूरा गर्म हो गया. लेकिन air का the whole day this process goes on. Earth जब तक sun हमारे है, sun rays are there, तो air, the earth is more of heat, उसमें ज्यादा heat absorption है, and the air that is touching the earth is moving up. अब एक और एक्सपेरिमेंट है. वी हैव टेकन अ कैंडल. अब आपने ये घर पे भी अपने एक्सपीरियंस करा होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर फ्लेम को हमें सिक्योर करना है कि इट डजेंट क्या हो, बुझे नहीं, हाँ, इट डजेंट एक्सटिंग्विश, तो व्हाट डू? वी पुट अवर हैंड्स ऑन बोथ साइड्स, ऊपर नहीं रखते. दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन. क्या है? तो यहाँ पे जो एयर, यहाँ पे जो इसके होगी, डेट विल बी ऑफ मोर हीट, और यही हीट ऊपर ट्रांसफर हो रही है. जो साइड की जो आपकी कूलर एयर है वो यहाँ पे प्लेस ले रही है. तो साइड से हमें इतना हाथ पे गर्म नहीं लगेगा जितना हाथ पे गर्म हमें ऊपर लगेगा. द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट एज द एयर अबव द कैंडल गेट्स हीटेड अप. और जो साइड का है वो हमें नहीं लगेगा क्योंकि वो तो गर्म हुआ ही नहीं है. वो तो जब नीचे एयर जाएगा देन इट विल गेट हीटेड अप एंड द आफ्टर हीटिंग अप इट विल राइज अप. सो नाउ देखा आपने, ये जो हमारे सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कितना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इज देयर. कभी आपके घर पे मम्मी पापा ने ये बोला है कि कैंडल को ऊपर हाथ रख के prevent it from extinguishing, बुझने से बचाएं? हमेशा we put our hands from the side, we never put it on top. और अगर है एक second के लिए you can try, अगर अभी नहीं observe करा you can, the moment you put it up you will feel hot, the moment you put it on the side you will not feel hot. So this all is because of the process of convection. So what did we learn today? Today we learned about convection. This is the process by which heat get transferred in liquid, or we can say in water and in air. In the next session, इसी से related we are going to learn something more. वो wind से related topic है. वो क्या है? We are going to learn in the next session. अभी आपको क्या करना है? A good revision of today's session. We are going to meet again with a new thing from the same chapter. Till then, take care. Bye.